एवरीवन, यू नो गाइस, आज हम फिर से बात करेंगे पैनकेक स्वैप के बारे में, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि हर कोई इसका नाम जानता है और काफ़ी ज़्यादा होल्डर्स है ये पर्टिकुलर एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के। ठीक है, तो पहले भी हमने ये पर्टिकुलर कॉइन के बारे में या फिर यू नो डेक्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट आज फिर से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जिस तरह से उसका प्राइस ग्रो कर रहा है उसमें हमको समझना पड़ेगा कि कब तक यहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं और कहाँ कहाँ हमको बचना चाहिए। ठीक है, मेक श्योर ये वाला वीडियो अच्छे से देखो। जो लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो डेफिनेटली आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन और टोकन के बारे में एक्चुअल पर्टिकुलर एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या ये टोकन या कॉइन या क्रिप्टो कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखो गाइज, मैंने ऑलरेडी पैनकेक स्वैप के ऊपर आई थिंक दिसंबर के आसपास 2-3 महीने पहले ही वीडियो बनाया था। आज की डेट में जिस तरह से प्राइस है $4, जब मैंने वीडियो बनाया था गाइज, ये पर्टिकुलर टोकन का प्राइस था पैनकेक स्वैप का, वो था आई थिंक $2 के आसपास का था। ठीक है, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर चुका है, तो वो वीडियो तो ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट कहने का मतलब यह है कि उसका ऑल टाइम हाई भी हम चेक करते हैं ना, तो 40 से लेके $41 के आसपास का उसका ऑल टाइम हाई है और अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और मैक्स सप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। और ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक डेफी प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग, स्टेकिंग, पूल्स, वो सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पे स्वैपिंग, लिक्विडिटी, परपेचुअल, ब्रिजिंग, सारी चीज़ों से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अर्निंग करना है तो फार्मिंग से, केक स्टेकिंग से, पूल से भी कर सकते हो, गेम, एनएफटी, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम में टॉप 3 में आता था ये पर्टिकुलर एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। देखो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब होता है वजीर एक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, बाइनांस हो गया या कुकॉइन हो गया, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। कोई ना कोई एंटिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, मतलब जो आप यहाँ पे विदाउट KYC भी ये सारी चीज़ों को ट्रेड कर सकते हो और आपका फंड यहाँ पे सिक्योर रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी डैक्स की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, डैक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की मैं बात करूँ और यहाँ पे उसके होल्डर्स की मैं बात करूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि 16 लाख होल्डर है। मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसकी मार्केट कैप, मतलब यहाँ पे आप देखोगे यूनिस्वैप बहुत पहले नंबर पे है, उसके बाद थॉर चैन हो गया, DYDX हो गया, सिंथेटिक नेटवर्क हो गया, DYDX हो गया, ठीक है, जुपिटर हो गया, ये सारे जितने भी डैक्स है ना, उसके बाद पैनकेक स्वैप का यहाँ पे नंबर आता है। इसलिए ग्रो होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है पैनकेक स्वैप की मैं बात करूँ तो। ठीक है, और मैंने उसकी आपको यूज़ केसेस भी बता दिया, यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो उनके होल्डर्स। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप होल्डर्स की बात करूँ तो 75% जो एक क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं एक डेड डेड एड्रेस के साथ यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में चांस है कि पैनकेक स्वैप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है। ठीक है, वो हम जानेंगे पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बात करें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सोशल मीडिया की बात करूँ तो 9.9 मिलियन फॉलोवर है, जिसका मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल, काफ़ी ज़्यादा एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है और बहुत सारी चीज़ें अपडेट वगैरह और काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन से लेके, इंटीग्रेशन से लेके, कोलोब्रेशन से लेके, सारी चीज़ें आपको ये पर्टिकुलर उनके सोशल मीडिया के आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब यह है कि पैनकेक स्वैप की जो टीम है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, उनके जो सोशल मीडिया है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे है, जिसके थ्रू आपको अपडेट्स वगैरह मिलती जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड हो जाता है कि भाई ये डैक्स के ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली आप कर सकते हो, ये एक ऐसा ऐसा डैक्स है जहाँ पे यू नो बाइनांस चैन इनिशियली यहाँ पे हमने बहुत सारे BNB के कॉइन हमने स्वैप किए थे थ्रू बाइनांस, राइट, जिसकी वजह से बाइनांस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ था। पैनकेक स्वैप का मतलब बाइनांस का ग्रोथ पैनकेक स्वैप के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता था एक टाइम। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था ना तब मैंने आपको ये वाला 2.7-2.5 डॉलर के आसपास आपको मैंने अवेयर कर दिया था कि भाई इस तरह से ऐसा हो सकता है और ऑलरेडी 4.7 के आसपास चल रहा है, एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को वो टच कर रहा है यहाँ पे। मे भी आपको थोड़ा बहुत डाउन यानी कि $4 के आसपास देखने को मिलता है, वापस से वो एक अच्छी पंप लेने के लिए तैयार हो चुकेगा। ठीक है, देखो हमने जिस तरह पे वीडियो बनाया था ना, मतलब $2.6 के आसपास, और यहाँ पे किसी ना इन्वेस्ट किया होता तो उनको ऑलरेडी 80% का उन्होंने अच्छे से गेन ले लिया है। बट अभी भी ये कॉइन के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है, ये आने वाला टाइम में 8 से लेके 9 डॉलर यानी कि 250 प्लस, आपको परसेंटेज की बात करूँ तो 250+% वो ग्रो होने की अभी भी कैपेसिटी यहाँ पे है पैनकेक स्वैप के अंदर। ठीक है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो अभी बुल रन भी है, बिटकॉइन भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है,
अभी जिस तरह से उसकी प्राइस है अभी भी इतना ज़्यादा पंप नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे कॉइन है, बहुत सारे ऐसे मीम टोकन है जो ऑलरेडी उसके ऑल टाइम हाई को भी टच कर चुके हैं, बट ये भी अभी भी कहीं ना कहीं वो पंप होना शुरू हुआ है पैनकेक स्वैप, ठीक है। तो जो ऑलरेडी होल्डर्स है भाई होल्ड करके रखो, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको पैनकेक स्वैप के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी जो लोग एंट्री करना चाहते हैं वापस से, तो मैं आपको उनको सजेस्ट करूंगा कि 3.5 से लेके $4 के आसपास अच्छी से एक एंट्री और एवरेज आउट कर सकते हो, राइट। तो काफ़ी अच्छा सा एक प्राइस पॉइंट आपको मिलेगा जहां से आप अच्छा सा, जब वो पंप होगा तब आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पैनकेक स्वैप आने वाले टाइम में आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है, होल्ड करके रखो। और जो लोगों ने नहीं होल्ड किया उसका मैंने एक प्राइस पॉइंट भी दे दिया है कि वहां से यह कि यहाँ तक आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, और टारगेट हमारा रहेगा $9। $9 जब पहुंचेगा, राइट, तो मैं वापस एक वीडियो बना दूंगा जहां से मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि भाई हाँ कब अब हमारा क्या करना है पैनकेक स्वैप के साथ, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको एक अलर्ट और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये देखो यार, मैंने काफ़ी टाइम से क्रिप्टो को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अप एंड डाउन, मार्केट अप भी गया डाउन भी गया, दोनों मार्केट के मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो एक एक मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये मतलब आप जो हार्ड एंड मनी अर्न कर रहे हो ना, उसको अच्छी तरह से लगाओ, खुद भी थोड़ा दिमाग यूज़ करो, एनालिसिस करो, और ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाओ नॉलेज लेके, जिसके थ्रू आपको किसी के वीडियो भी देखना ना पड़े, मेरे भी वीडियो देखना ना पड़े, इतना ज़्यादा अच्छे से नॉलेज लो क्रिप्टो का। इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मैंने शेयर किया, उसमें क्रिप्टो के कोर्स है, ट्रेडिंग के कोर्स है, जाओ उसको अच्छे से एनालाइज करो, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि सीखना बहुत ही जरूरी है, लर्निंग बहुत ही जरूरी है, एक्सपीरियंस भी बहुत ही जरूरी है, तब जाके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो या फिर इन्वेस्टर बन सकते हो और काफी अच्छा सा आपका पैसा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। और यू नो आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म का नाम है आई डिजिटल प्रीनियर, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, ठीक है। इसमें आपको क्रिप्टो के कोर्स मिल जाते हैं, स्टॉक मार्केट के कोर्स मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट को प्रमोट करने का मेरा एक मकसद ये है कि यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हो, नॉट ओनली लर्निंग। देखो लर्निंग तो हर कोई कर रहा है, ठीक है, लर्निंग से आपका स्किल सेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप अच्छे से इन्वेस्टिंग करना सीख जाओगे, अच्छे से यहाँ पे ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिंग का भी कोर्स है, क्रिप्टो मास्टरमाइंड का भी कोर्स है, ट्राई मार्केट का भी कोर्स है, शेयर मार्केट का भी कोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक ऐसी चीज मिल रही है आपको जहां से आप बहुत ही अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो। ये जानने के लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करो, मैं आपको ये प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये प्रोजेक्ट, यानी कि ये पूरी एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जहां से कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो जानने के लिए नीचे व्हाट्सअप करो और आपको सारी डिटेल में मैं आपको उसका प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा, आप वहां से काफी ज्यादा चीजें सीख के अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा वैसा अर्निंग नहीं, बहुत ही बढ़िया सा अर्निंग, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप करोगे, ऐसी उम्मीद में रखता हूँ। बाकी आपको कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।